दिल्ली लुधियाना हाईवे पर एक टैंकर से जहरीली गैस के रिसाव से 6 लोगों की मौत हो गई, 100 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। सभी बीमार लोगों को खन्ना के सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया और आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। यह हादसा कल रात 11:30 बजे के आसपास हुआ। हाँ, यहाँ पर ये अमोनिया का लीकेज हुआ है, जो कि यहाँ पर जो सामने मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है, जो फ्लाई ओवर है, जिससे वहाँ से जब ये टैंकर निकल रहा था तो उस समय उसने अपनी हाइट का थोड़ा सा अंदाजा नहीं लगाया, और जिससे कि उसका जो फिलअप था, उसका सीट फॉर्म का जो फिलअप था, वो टूट गया उसका। तो अभी क्या कितनी गैस होगी इसमें, क्या इफेक्ट कर रही है गैस? इसमें इफेक्ट जो विंड डायरेक्शन की तरफ, जिस तरफ की हवा है, तो उस तरफ जो भी पब्लिक होगी वो अफेक्टेड होगी इससे, जिससे कि चौकिंग एजेंट मतलब चौक हो सकता है इसका जो नर्वस सिस्टम। अभी तक इसमें करीब 11 बजे का टाइम था इसका, करीब इसके लिए 4 घंटे हो गए। हाँ, अभी तक इस पर कोई काबू नहीं पाया गया, इसको हम सिर्फ डायलेट करेंगे, जिससे कि फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर लगी हुई है। कितने बंदे बेहोश हुए? आपकी टीम के भी हुए अभी? हाँ, हमारी टीम के 2 बंदे अभी बेहोश टाइप के हुए हैं, जिससे कि जैसे कि मैंने गाड़ी को चेक करने के लिए भेजा था, तो उस समय वो अफेक्टेड हो गए उससे।